बहुत देर से देखो ये बंदा हमें परेशान कर रहा था, लेकिन फाइनली हमने एकदम आसमान में जाके इसकी पतंग काट दी। देखिए फिर से ग्रीन पतंग आ गई एक और हमसे लड़ाने। ये चले हम नीचे से, देखो अंदर का ये के चलाऊं मैं, और अंदर कोई मैंने खींच दी यहाँ पे और पतंग काट दी। आसमान देख सकते हैं, पूरा आसमान आज भाई भर रखा है पतंगों से, अच्छी खासी पतंगबाजी हो रही है आज यहाँ पे। एक और पेज आया हमारा, अपोनेंट ने बाहर की खींची, हमने स्ट्रेट खींची है यहाँ पे, और ये देखो ये स्ट्रेट खींची थी। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइलर ऑफिशियल। तो भाई देखो आज थोड़ी शाम हो गई है, आप लोग भी कहेंगे आज काफ़ी शाम को मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आज सीन ही ऐसा कुछ हुआ है, काफ़ी देर के बाद हवा खुल के आई थी और हवा खुली है तो यहाँ पे आगे पतंगे भी लोगों ने बढ़ा दिए, तो हम भी भाई अपनी पतंग पार कर रहे हैं। देखो चारों तरफ बादल हैं और हवा देखो जो होती है ना एकदम नॉर्मल हवा चल रही है, ऊपर पतंग पार होके ऊपर तन जाएगी और नीचे तो इतनी बढ़िया हवा नहीं लगेगी, लेकिन जैसे हम पतंग पार करते तो आगे जाके पतंग को हवा लगने लगेगी। जाड़ों में यही होता है, नीचे हवा नहीं होती लेकिन ऊपर अच्छी खासी हवा लगती है पतंगों में। तो करते हैं इसे पार, दिखाते हैं आपको। तो ये हमारी पतंग देखो पार होके जा रही है, और जो हमारे अपोनेंट की पतंग है सामने देखो खड़ी है, शायद आपको दिखेगी नहीं, काफ़ी दूर है उसकी पतंग। जैसे मैं फोकस करूँगा वो देखो एक पतंग वहाँ से भी पार हो रही है। अरे यार हमारी पतंग कहाँ जा रही है, नीचे। तो चलो इसे डायरेक्ट मैं पार करता हूँ और आपको पेड़ लड़ा के दिखाता हूँ सीधे। काफ़ी लंबी कर ली हमने पतंग, और देखो सामने हमारा अपोनेंट भी आ गया हमसे लड़ाने। तो देखो रेड सर्किल के अंदर मेरी पतंग भी मैं ऊपर से लड़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग भी नीचे से है, और वो बंदा लेफ्ट हैंड साइड से लड़ा रहा है। तो ये गए उसके झोल के पास, ये इसने अंदर की खींची थी, मैंने पतंग चक्करों पर डाल दी है। ये देखो चक्करों पर डाल दी, मेरे चक्कर बाहर के हैं लेकिन मैंने झोल के ऊपर रख रखी है उसके, चक्कर पे चक्कर, और देखो काट दी पतंग। अब देखो भाई मेरे चक्कर तो बाहर के थे लेकिन जो मैंने पतंग रखी थी ना वो अपने अपोनेंट के झोल के ऊपर रखी थी, तो अगर मेरे उधर चक्कर गलत भी थे तब भी मैंने पतंग काट दी। और यही पतंग अगर मैं एकदम मुंह के पास रखता और मेरे चक्कर गलत हो जाते बाहर के तो मेरी पतंग कट जाती, लेकिन झोल के ऊपर पतंग थी तो यहाँ पे हमने पतंग काट दी है। सेकंड पेज आ गया, देखो रेड सर्किल की मेरी पतंग मैं नीचे से ला रहा हूँ और ब्लू सर्किल की हमारे अपोनेंट की पतंग ऊपर से खींची मैंने, एकदम आसमान में खींच दी है। ये बंदा बार बार अपनी पतंग बचा ले रहा है, देखो इस बंदे ने मुझे बहुत परेशान कर दिया, बार बार अपनी पतंग नीचे पटकता है और जब मैं लड़ाने जाता हूँ तो ये अपनी पतंग ऊपर उठा लेता है। फिर से देखो उसने एकदम हवा में कर ली अपनी पतंग, दिख रही होगी शायद आपको, काफ़ी लाइट पतंग है उसकी ग्रीन कलर की। फिर से हवा में खींच दिया मैंने और अब की बार फाइनली भाई पतंग काट दी इस बंदे की। वो देखो वो कट के जा रही है सामने, ये देखो ये मेरी पतंग भाई, अब की बार मैंने हवा में खींच दी, मैंने उसका झोली काट दिया। देखो काफ़ी परेशान कर दिया था इसने, बार बार पतंग पटकता था फिर ऊपर हवा में चढ़ा लेता था, लेकिन इस बार भाई हम ले गए इसकी पतंग पूरी। एक और ग्रीन कलर की पतंग आ गई लड़ाने, हम नीचे का पेज ले रहे हैं। ये चला मैं अंदर का ही रुक लेके चल रहा हूँ, देखो अंदर का रुक लेके चला और अंदर कोई खींच दिया और उसकी पतंग देखो वहीं पर ही स्लिप हो गई, गिर गई। क्या करें इसे लपेटें, रहन देते हैं यार, आगे पेड़ है, ये पतंग पेड़ में फंस जाती हमारी भी तो कोई फ़ायदा नहीं था लपेटने का। तो अब तो मुझे कोई और पतंग दिख नहीं रही लड़ाने वाली, देखो अगर कोई मिलता है तो लड़ाते हैं, दिखाते हैं आपको। तो काफ़ी देर मैंने पतंग खड़ी रखी थी, उसके बाद एक बंदर लड़ाने आ गया। तो देखो रेड सर्किल के अंदर मेरी पतंग मैं नीचे से लड़ा रहा हूँ और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग ऊपर से है और वो हमारे राइट हैंड साइड से लड़ा रहा है। ये अंदर की रुक लेके चल रहा हूँ मैं, फिर बचाई मैंने, चढ़ा दिए पतंग हवा में। ये बाहर का भाई डायगोनल पट मार रहा था मैं, लेकिन उसने एकदम सटीक गद्दा मार दिया और ये वाले गद्दे आसानी से कटते नहीं है भाई, और हमारी पतंग कट गई। फिलहाल सामने तो आपको हमारी पतंग दिख रही होगी, ये हमारी पतंग रही, और आज पता नहीं क्या हुआ यार हवा निकल के आई तो काफ़ी अच्छी खासी पतंगबाजी हो रही है आज मेरी तरफ, मैं दिखाता हूँ। ऊपर देखो क्लब काइट फाइटिंग हो रही है हमेशा की तरह, जो हवा अगर आती है तो क्लब काइट फाइटिंग शुरू हो जाती है।
काफ़ी ऊंची रही उनकी पतंगे, और नीचे देखो और लोगों ने भी अपनी पतंगे बढ़ा रखी है। तो मतलब अच्छी खासी पतंगे आपको देखने को मिल जाएंगी आज आसमान में। हवा भी अच्छी है, देखो आधे से ज़्यादा बंदे लपेटने वाले हैं और आधे बंदे लड़ाने वाले हैं। चलो फिर लड़ा के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखो हमारा पहला पेज आ गया है, रेड सर्किल की मेरी पतंगे मैं नीचे से लड़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्किल की हमारे अपोनेंट की पतंगे ऊपर से है और वो राइट हैंड साइड से लड़ा रहा है। और ये वही बंदा जिसने कल एकदम लास्ट में हमारा पतंग काटी थी, जो मैंने डायगोनल पार्ट मारा था, लेकिन इसने एकदम सटीक गद्दा रख दिया था और मेरी पतंग काट दी थी। तो आज देखते हैं क्या करता है ये। ये खींची इसने, मैंने एकदम सीधी खींच दी और पतंग काट दी यहाँ पे। उसका देखो बहुत अच्छा उसने मुड्डा बनाया था बाहर का निकलता हुआ, लेकिन एंड टाइम में उसकी पतंग ने उसका साथ छोड़ दिया और उसका मुड्डा बाहर का निकलता हुआ हल्का सा नीचे पट पड़ गया और उसकी पतंग कट गई। और ऊपर देखो एक और पतंग कट के जा रही है, लपेटने वाले काफ़ी हैं, एक पतंग कट के जा रही है, लपेटने वाले तीन तीन हैं देख सकते हैं आप, और हमारी पतंग एकदम नीचे है। यहाँ पे देखो भाई फोकस हो जा, हो गया। तो ऊपर देखो एक पेज लड़ रहा है क्लब वालों का, और नीचे बच्चे देखो कितना परेशान करते हैं इन्हें। ये रखा ऊपर अलग गद्दा रखा, कट गई पतंग उसकी। देखो बेचारों ने कितना हवा में पेज लड़ा लिया इन बच्चों के चक्कर में, क्योंकि नीचे इतनी सारी पतंगें थी ना कि वो एकदम हवा में इन्होंने पेज लड़ाया और पतंग कट भी गई उनकी। वो देखो वो कट के जा रही है, चार खाना चले गए भाई। तो यहाँ पे हमारा एक और पेज आ गया, देखो हमारी पतंग वही वाली रही जो अभी जिससे हमने काटी थी। तो रेड सर्किल की मेरी पतंग है मैं नीचे से लड़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्किल की हमारे अपोनेंट की पतंग है ऊपर से है, आपको दिख रही होगी। फिर से देखो पतंग मैं पूरी अंदर की लेके चल रहा हूँ, थोड़ी पतंग मैं चला रहा हूँ इससे मेरा झोल एकदम टाइट है, क्योंकि मैं बिन हवा में जा रहा हूँ तो पतंग मैं चलाते रह रहा हूँ ताकि डोर एकदम टाइट रहे हमारी। ये खींची काट दी, इसमें क्या था हमारी डोर एकदम टाइट थी, उसमें सीधा गद्दा मारा, और टाइट डोर में अगर आप सीधा गद्दा मारते हो तो आपकी पतंग कट जाएगी। तो देखो यहाँ पे एक और पेज हमने काट दिया है, सामने हमारी पतंग रही। आज भी देखो काफ़ी शाम हो गई है, एक और पेज हमारा चलता हुआ यहाँ पे। रेड सर्किल की तो मेरी पतंग है मैं नीचे से लड़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्किल की तो हमारे अपोनेंट की पतंग रही वो ऊपर से है। काफ़ी रात हो गई है, पतंगें तब भी आपको दिख रही होंगी, थोड़ी काली दिख रही होंगी लेकिन पतंगें दिख रही होंगी एकदम क्लियर, अगर आप 1080p पे वीडियो देख रहे हैं तो। ये वाली गद्दा रखा मैंने अंदर की खींची थी, उसने पतंग चक्कर ऊपर डाल दी तो मैंने पूरा भर्रा छोड़ दिया, फिर मैंने चक्कर डाले फिर भर्रा छोड़ा, लेकिन हमारे अपोनेंट को पता चल गया कि मैं भर्रा छोड़ रहा हूँ तो एकदम बाहर की खींच के ले गया, और वहाँ पर मैं कुछ नहीं कर पाया भाई, मैंने काफ़ी गंदी ये वाली पतंग कटवा दी।